गर्मा गर्म पूरी है, गर्म रहती है। गाइस हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया, अब चलते हैं बाहर स्नो में। चलो गाइस अभी आज जम गए पापा, पापा आज जम गए। स्नो बहुत बार देखी है लेकिन स्नो फॉल नहीं देखी कभी। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब आप सबको, मेरा यह है व्लॉग जो प्लीन तेरा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा नेक्स्ट डे है और आज सुबह से इतनी बारिश हो रही है और अगर बारिश कम हो गई तो मैं आपको पक्का यहाँ के एडवेंचर एक्टिविटीज गेम्स और स्केटिंग्स कराऊंगी। यहाँ की इतनी सारी गेम्स हैं स्पेशल, वो मैं आपको सारी करवाऊंगी लेकिन पहले बारिश तो कम हो जाए। और चलो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ऐसा नजारा और गरम गरम चाय, वाह 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 क्या बढ़िया है यार। वाह हेलो भैया से पूछेंगे ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। भैया आपको देखना है ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। हाँ जी चलो मैं दिखाता हूँ आपको, आ जाओ मेरे साथ। इधर देखो, ये तो एक चाकोज है और कॉर्नफ्लेक्स है और रियल का गुआवा जूस है, जो आप लेना चाहो ले लो ठीक है। और फ्रूट्स भी पड़े हैं यहाँ पर, वाटरमेलन है, खरबूजा है, तो जो मर्जी हो ले लो आप। उसके बाद वहाँ पर आपको चाय भी मिल जाएगी कैटल में और दूध भी मिल जाएगा। आ जाओ आप इधर, मैं और दिखाता हूँ। गर्मा गर्म पूरी है, गर्म रहती है ओके, और विदाउट ऑयल, बहुत कम ऑयल रहता है इसमें, ज़्यादा ऑयल भी नहीं रहता ओके। और ये सांभर है जिसको आप उत्तपम के साथ खाओगे, तो आप देखो इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा बना है ठीक है। उत्तपम खाओगे आप सांभर के साथ ठीक है, और पूरी के साथ आप खाओगे आलू भाजी ओके। और अगर आपको मैगी अच्छी लगती है तो आपके लिए मैगी भी है यहाँ पर ओके। आई लव मैगी। तो यहाँ पर साउथ इंडियंस के लिए पोहा भी है, अगर आप साउथ इंडियन हो तो पोहा भी मिलेगा आपको यहाँ पर। और ये बॉयल्ड एग्स नॉन वेज में ओके। अब क्या खाओगे आप, क्या लगा अच्छा आपको? ऑब्वियसली बच्चे तो ये खाते हैं ना, मैगी खाओगे आप? हाँ जी ओके, खाओ आप मैगी आराम से। हम सब ने मिलकर गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट का मजा लिया। सो गाइस हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया, अब चलते हैं बाहर स्नो में। चलो गाइस कबीर आपको ठंड लग जाएगी, अब आप छोटे हो। देखो गाइस यहाँ पे व्यू भी इतना अच्छा आ रहा है और इतनी स्नो बड़ी बड़ी है यहाँ पे, वाओ गाइस देखो। और यहाँ देखो बादल पूरे नीचे आ रखे हैं, ओ माय गॉडनेस, ये तो मैंने पहली बार देखा है, पूरे बादल ट्रीज के वहाँ पर आ रहे हैं, पूरे इतना सही लग रहा है ये तो। तो आप भी एक बार यहाँ पे जरूर आना गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है ये, लेकिन ठंड भी बहुत है। गाइस रुक जाओ, पहले ना स्वेटर वेटर पहन के चलते हैं, ठंड है ना बहुत ज़्यादा, तो इट्स तो उसके बाद हम चलेंगे वहाँ पे, एक्टिविटीज करेंगे बहुत सारी, तो पहले कपड़े पहनती हूँ थोड़े से और ठंड है। चलो रूम नंबर चलते हैं, रूम नंबर है हमारा 202। चलो ये कर जब लियो, देखो गाइस सारी स्नो, स्नो कितना प्यारा लग रहा है ये सब कुछ। चलो गाइस आगे चलते हैं, आगे बहुत सारी स्नो मिलेगी हमें। ओ भाई बहुत ठंड भी लग रही है, हाथ भी जम चुके हैं, फेलो गर्लफ्रेंड क्या आना था मुझे, लेकिन अब ऐसे ही मस्ती करेंगे, ऐसे ही तो मजा आएगा। तो चलो गाइस अब उस चलते हैं उस साइड पे, क्योंकि उस साइड पे बहुत ज़्यादा बर्फ भरी है। तो चलो गाइस चलते हैं, मम्मी ध्यान से गिर ना जाऊँ। मम्मा वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह फतेह, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह फतेह, ध्यान से वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह फतेह। इन्हें डर लग रही है, मम्मी लग रही है, ओ
और गाइस यहाँ पे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो और यहाँ पे मस्ती कर सकते हो और आप आराम से झरने माउंटेन्स और ये सोनमर्ग, विश्वास नहीं हो रहा है सोनमर्ग है गाइस, इतना मज़ा आ रहा है और पूरी अंदर बर्फ भरी है पड़ी है, फिर भी हम आराम से जाएंगे। मम्मी बहुत डर लग रहा है गाइस, मेरे हाथ देखो गाइस एकदम लाल हो चुके हैं और वो हमारा रूम है, हमारी बालकनी वहाँ से स्नो दिखती है, स्नो ही स्नो, स्नो ही स्नो, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे देखो। ये जो स्नो है ना एकदम फ्रेश स्नो है, देखो गाइस एकदम अच्छी स्नो है, इसको हम खा भी सकते हैं और यहाँ पे देखो कितनी सॉफ्ट है, इसको हम मेरा पैर रखेंगे ना देखो पूरी अंदर जा रही है, अंदर पूरा घुस रही है, आगे चलते हैं गाइस। पापा का पैर देखो गाइस पूरा अंदर जा रहा है, मेरा भी देखो, मज़ा आ रहा है। यस यस यस, यला गाइस आप लोग अभी रात जम गए, पापा पापा आज जम गए, ओहो हाय हाय राम बोले, हाय राम बोले नाथ, हम बोले नाथ, कमीर दे कमीर दे, बहुत ठंड है कमीर का, तो ठंड तो इतनी हो रही है कि पापा से तो कैमरा ही नहीं पकड़ा जा रहा, अभी हम जाएंगे दौड़ दौड़ कर उस साइड बहुत सारी गेम एक्टिविटीज हैं एंड बहुत मज़ा आएगा उधर, तो पापा और मैं ही जाएंगे सबसे पहले तो। ओ मेरी शर्मिली बहन भी आ रही है मेरे साथ, ये शर्मिली बहन है, हाँ मेरी शर्मिली बहन है, शक्ल तो दिखा रीवा, इसका नाम रीवा है, ये भी चलेगी अब हमारे साथ, चल अब है ना उस साइड चलेंगे, अब हम उस साइड चलेंगे और वहाँ पर गेम्स खेलेंगे। गाइस देखो भाग भाग के ना आइस के स्टेप्स मिल गए इतने सारे हमारे, भाग भाग के अब हमें उस साइड जाना है उधर, फटाफट से चलते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते, वो बहुत दूर है इसलिए रुक जाओ, थक तो चुकी हूँ लेकिन जाना तो है, हार नहीं माननी चाहिए कभी जिंदगी में, आ जाओ गाइस चलते हैं उधर। सेम इस सीजन में बर्फ नहीं होती, मेरी किस्मत है मैं लकी हूँ ना, और देखो मम्मा वहाँ पे खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, हमारे बहुत मज़ा आ रहा है गाइस यहाँ पे, तो झरना आ रहा है यहाँ पे देखो, बर्फ भी पड़ रही है, इतना मज़ा तो आएगा ही ना गाइस, थोड़ी सी बर्फ खा लेती हूँ, एकदम फ्रेश बर्फ है देखो गाइस, बहुत ही ठंडी है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी खा रही है। दीदी से कुछ पूछती हूँ यहाँ के बारे में, आपको अगर सुमक को एक वर्ड में एक्सप्रेस करना तो आपको कैसा होगा, कैसे करोगे? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मैंने स्नो बहुत बार देखी है लेकिन स्नो फॉल नहीं देखी कभी, फर्स्ट टाइम है मेरी ये। मेरे भी सेम फर्स्ट टाइम है स्नोफॉल, मैंने पहली बार स्नोफॉल देखी है, इस तरह मज़ा आता है स्नोफॉल में, और इस सीजन में तो वैसे भी स्नोफॉल नहीं हुई, तो आप भी लकी हो मैं भी लकी है ना, मैं वही सोच रही थी कि आज बारिश हो रही है तो स्नोफॉल हो जाए, तो सच में ही होगी, तो गॉड मज़ा आ रहा है, तो गॉड ने हमारी सुन ली ना, हमारी देखो गाड़ी, देखो हमारी गाड़ी, गाड़ी तो देखो गाइस हमारी, गाइस गाड़ी गाड़ी स्नो 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 भरी पड़ी है देखो गाइस स्नो भरी है, मुझे गाड़ी नजर नहीं आ रही, अब उसको नीचे उतारेंगे हम सारी बर्फ को, देखो गाइस कुछ ऐसा हाल होता है ठंड में, लोग परेशान भी होते हैं ठंड की वजह से, मज़ा लेकिन बहुत अलग आता है, याद देखो गाइस लाल हो गए, उन वादियों का भी क्या कहना जिसमें है पहाड़ बर्फ और झरना, इनको देखकर सुकून पाते हैं नैना,
सच में दृश्य है बहुत सुहाना। शीत लहर ये शायद तारों को छू आई होगी, बादलों की चादर उन्होंने इसीलिए मंगवाई होगी। YouTube फैमिली, आप भी इस ब्रीथ टेकिंग सीनिक व्यू का मजा लो, इतना प्यारा व्यू है यार ये। और जल्दी से मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो और बेल आइकन का बटन ठोक देना। इतना चिल्ड वेदर है तो रिवर कितनी चिल्ड होगी यार, कौन कौन नहाने जाएगा इसमें? मैं तो नहीं जाऊंगी यार, मेरे को ठंड लग जाएगी, मैं छोटा बच्चा हूँ। पूरे के पूरे थाईलैंड के टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पर, पीक टाइम होता है ये कश्मीर का। तो आप क्या सोच रहे, जल्दी से बनाओ कश्मीर का टूर। और हेल्प के लिए मेरी वीडियो तो है ही ना, देखते रहो और शेयर करते रहो। स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो दिख रही है जल्दी से जाकर उनको देखो, लाइक सब्सक्राइब शेयर, बेल आइकन का बटन ठोक देना मेरे फेसबुक।